बेमेतरा जिला के बेरला थाना अंतर्गत ग्राम चंडीभाटा में हुए आंधे की गुत्थी सुलझाने में बेरला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि बीते दिनों हुई महिला की हत्या के आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार महिला और चौकीदार में चावल बनाने को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया था कि चौकीदार ने आवेश में हत्या कर दिया। साथ ही हत्या के बाद आरोपी द्वारा सबूत को छुपाने की कोशिश की गई। इसके तहत पुलिस तफ्तीश के दौरान आरोपी दिलीप यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस द्वारा सख्ती से की गई पूछताछ में आरोपी ने हत्या करना कबूल किया, जिसके तहत अपराध कायम कर आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। बेमेतरा से योगेश सिंह राजपूत की रिपोर्ट। 25 तारीख फरवरी की दरमियानी रात में एक महिला की मृत्यु होने की सूचना मिली घर में ही, उसके घर में। तो उसके बाद उसका मर्ग पंचनामा किया गया। डॉक्टर के द्वारा 7 PM में बताया गया कि उसके गला दबाकर हत्या हुई है। उसके बाद उसका 302 IPC कायम करके उसके लगातार जांच विवेचना की जा रही थी। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे संदिग्धों से पूछताछ किया और अंतिम में एक निष्कर्ष में पहुंचे कि वहां पर जो फ्लाई एस ब्रिक्स में काम करने वाला चौकीदार है दिलीप यादव, वो मुख्य रूप से संदेही है, क्योंकि वो महिला उसके यहाँ मतलब उनके लिए भी खाना वाना बनाती थी और उस दिन अब चावल गीला होने के कारण से उनमें वाद विवाद हुआ था और उसके बाद घटना से वो चौकीदार फरार भी हो गया था, जिससे हमको उसके ऊपर शक था और हमने उसको फिर कड़ाई से पूछताछ किया। तो उसने रात को 12:30-1 बजे करीब महिला के घर जाना बताया और उसके बाद फिर महिला के द्वारा उसे गाली गलौज किया गया कि अभी तुम क्यों आ रहे हो जब हम मेरे हाथ से बना हुआ खाना को नहीं खाए थे बल्कि। तो उसके बाद वो गुस्से में आकर आवेश में आकर के उस महिला का गला दबाकर हत्या कर दिया और उसके बाद उसे हमने विधिवत गिरफ्तार करके आज रिमांड भेजा।